बंदे पीछे रुक जा ना, बाकी पीछे नहीं जा रहे। तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि जो हमारे कायदीन हैं और मीडिया वाले हैं उनको सबसे आगे जगह दीजिएगा ताकि शहर के साथ तकारीर का जो सिलसिला हम शुरू चुके हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आज की ये यौम यकजहती हम अपने कश्मीर बहन भाइयों और बुजुर्गों के लिए रैली का इंतजाम किया। जनाब चौधरी नसीर अहमद जट साहब की क्यादत में तमाम शहर की मरूफ और मशहूर शख्सियत जिनकी कार पे लब्बैक कहते हुए सबसे पहले परचम किसाई का आगाज हुआ और वहां से पब्लिक सेक्रेट चौरी नजीरा मजर से ये रैली रवाना हुई और अब प्रेस क्लब बोरेवाला काली रोड पे खत्म हो रही है। तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि आज की इस तकरीब में मेरे मोहतरम भाई तीन चार जो मुकर्रीन हैं वो खिताब फरमाएंगे। सबसे पहले आप नारा लगाएं पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, कश्मीर की आजादी तक जंग रहेगी जंग, कश्मीर की आजादी तक मोदी की बर्बादी तक। अब मैं अस्सलामुअलैकुम जी, आज जो रैली निकाली गई है यौम पाकिस्तान पे और कश्मीर यकजहती पे, तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। इसने आपने साबित कर दिया है कि आप कश्मीर के साथ हैं, हर पाकिस्तानी कश्मीर के साथ है। इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। जनरल बाजवा साहब आप कदम बढ़ाओ, हम आपके साथ हैं, पूरी एजेंसियों के साथ हैं, पाकिस्तान कश्मीर के साथ है, हम कश्मीर के साथ खड़े रहेंगे आखिरी दम तक। इंडिया का जब तक तबाह बर्बाद नहीं हो जाता इंडिया, उस वक्त तक हम लड़ेंगे और इंशाल्लाह फतह पाकिस्तान की होगी। कश्मीर मिलेगा पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान, कश्मीर मिलेगा पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज जो हमने रैली निकाली इसका मकसद कश्मीरियों के साथ हजारे यकजहती है, जो उनके साथ जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है। हम उन अपने भाइयों को बताना चाहते हैं कि हम उनके साथ हैं, तादमे मर्ग साथ हैं। इंशाल्लाह ताला कश्मीर के लिए हमारी जानें, हमारे बच्चे, हमारे माल सब हाजिर हैं। वस्सलाम।